वाली घटना जे मैं सरपंच उत्कर्ष वर्मा बलेतर पंचायत का और मेरे अपने मोहल्ले का ये केस है। ये बलवंत सिंह का ये शेड था, ये डबल स्टोरी 26x80 का, और आज सुबह ही इसने माल जो चूजे डाले थे 4000 चूजे, 100 बैग फीड अंदर लगी थी, और इतना शेड तैयार कराने में कितना खर्चा था, बहुत बड़ा लॉस हो गया। और ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही एक दुख भरी घटना है। और थोड़ा सा चलो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट तो मिला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी जहां पहुंची तो ये शेड तमाम जो पूरा जल चुका था, फिर भी लोकल जो हमारे यहाँ के पब्लिक के लड़के हैं उन्होंने बहुत हिम्मत से मेहनत से आग को बुझाने का कार्य किया। मैं इनकी सराहना करता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी अभी पहुँची है चलो, लेकिन सांबा से आने में इनको काफ़ी टाइम लगता है। मैं डीसी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे सुंब ब्लॉक हेडक्वार्टर में होनी चाहिए, ताकि हमारे इस इलाके में जो आगजनी की घटना होती है उनके ऊपर काबू पा सके। बाकी रही बात आज का ये जो नुकसान, ये बहुत बड़ी नुकसान है बलवंत सिंह का बेचारे का, इसका 4000 चूचा, 100 बैग फीड लगी थी अंदर, और पूरा शेड टोटली लॉस है। मैं डीसी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे यहाँ नायब साहब भी आए हैं, चौकी अफसर साहब भी खड़े हैं, इन्होंने इनके सामने ये सारा इन्होंने देखा मंजर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस गरीब को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद हो, इसके नुकसान की कोई भरपाई करवाने का काम करे, ताकि ये दोबारा अपना काम कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम, तो इन्होंने इस लड़के ने बलवंत सिंह ने बहुत मेहनत से ये अपने शेड बनाए थे, लेकिन जितना बड़ा इसका लॉस हो गया है, इसकी भरपाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल की बात है। अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे तो फिर दोबारा ये अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेड क्रॉस से तुरंत इसको शुरुआत में कोई भरपाई की जाए, बाकी इसका जो नुकसान है उसके बारे में कोई संज्ञान ले, ताकि इसको कोई मदद मिल सके फाइनेंशियली। बाकी नायब साहब जहाँ खड़े हैं, चौकी अफसर खड़े हैं, और इसी गांव के हमारे नायब सरपंच साहब भी खड़े हैं, सारी आवाम जहाँ खड़ी है, सब लोगों ने बड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया है। तो मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी हमारे सुम ब्लॉक हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। इस इलाके में बहुत सारा फास्ट फ्लांग एरिया, सांबा से गाड़ी जहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हो रहा है। अगर ये गाड़ी फायर ब्रिगेड की सुम ब्लॉक में होती तो शायद इतना नुकसान ना होता। तो हमारी एक तो डिमांड ये है कि यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, दूसरा इस जिसका शेड था बलबंद से को, इसको कोई ना कोई इसकी अमर जो तुरंत इसको कोई मदद दी जाए, ताकि ये इस इतने बड़े सदमे से।